हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे एक सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, पनीर दो प्याज़ा। इसके लिए कोई पैन या कढ़ाई ले लें। दो टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, आप चाहें तो पूरा ऑयल भी ले सकते हैं। 2 पिंच हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, ये देखिए इतनी बड़ी दालचीनी डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 5 लौंग और 5 काली मिर्ची डालेंगे, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे, ये देखिए 4 मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें डालेंगे, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। अब इनको भून लेंगे। इस सब्जी को पनीर दो प्याजा इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम 2 टाइप से कटा हुआ प्याज डालेंगे अलग अलग टाइम पे, और इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा डलता है। प्याज को इसी तरह चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर का फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 1 हरी मिर्ची को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 2 हरी मिर्ची को साबुत ऐसे बस स्लिट किया है, ये इसमें डालेंगे। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो गया है। अब इस स्टेज पे इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, इनको मिला लेंगे, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे। सब्जी में तीखेपन के लिए हमने हरी मिर्ची डाली है और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। 4 टमाटर को मैंने बीज निकाल के चॉप कर लिया है, ये इसमें डालेंगे। अब इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब टमाटर को चेक करेंगे। वन टेबल स्पून कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालेंगे, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सब्जी में से। पनीर दो प्याजा में प्याज बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है और प्याज का थोड़ा मीठा मीठा सा फ्लेवर होता है, तो सब्जी ज़्यादा मीठी ना हो जाए उसको बैलेंस करने के लिए इसमें 1/2 कप दही डालेंगे। दही रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अब ग्रेवी को ढक्कन लगा के गैस को स्लो कर देंगे, 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे। इतनी देर में दूसरी गैस पे पनीर को सौते करेंगे। अब एक दूसरा पैन ले लें, 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। ये देखिए 400 ग्राम पनीर को मैंने क्यूब्स में काट लिया है, आप चाहें तो इसको रेक्टेंगल शेप में भी काट सकते हैं, ये हम इसमें डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पनीर की साइडें बदलते हुए इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। पनीर सौते हो गया है। अब ये देखिए एक बर्तन में गुनगुना पानी ले लीजिए और ये पनीर को हम पानी में निकाल देंगे, इससे पनीर चीड़ा नहीं होगा। ये देखिए मैंने 1 बोल प्याज के पेटल्स काटे हैं, ये देखिए इस तरीके से, इनको भी हम थोड़ा सौते करेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे। प्याज का क्रंच बिल्कुल जाने नहीं देना है, बस इनको हल्का सा ही सौते करना है। गैस के फ्लेम को हाई पे रखेंगे। प्याज के पेटल्स भी सौते हो गए हैं, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और वापस अपनी ग्रेवी की तरफ चलेंगे। ग्रेवी को पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए ग्रेवी ने
ऑयल रिलीज कर दिया है। जिस पानी में हमने पनीर को भिगोया था उसी में से थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। अब इसके अंदर पनीर को ऐड करेंगे। सब्जी को 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। सब्जी को चेक करेंगे तो देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है सब्जी के ऊपर। अब जो प्याज हमने सौते किए थे वो इसमें डालेंगे। प्याज बिल्कुल एंड में डालना है। प्याज डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए ही सब्जी को पकाना है। थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दो प्याजा बनके तैयार है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए तड़का पैन ले लें। 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी गरम हो गया है। ये देखिए 4-5 लहसुन की कलियों को मैंने इस तरीके से पतला पतला काट लिया है, ये इसमें डालेंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो इस स्टेप को माइनस कर सकते हैं। गार्लिक को लाइट गोल्डन कलर का फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गार्लिक गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसमें 2 लाल मिर्चें डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश लाल मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, सूखी वाली डाल लें। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। 2 पिंच इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे। हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है। अब पनीर दो प्याजा को सर्व करेंगे। ये देखिए सब्जी में से तेज पत्ता और दालचीनी निकाल देंगे और जो हमने तड़का बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। लीजिए बनके तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दो प्याजा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय। नमस्ते।